तो हमारा फर्स्ट अपडेट है कैजू नंबर 8 की मूवी से लेकर, तो इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मूवी है ये जापान में प्रीमियर होने वाला है 28 मार्च 2025 को, जिसमें हमें सीजन 1 भी यार देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में सीजन 1 भी भाई दिखाया जाएगा और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका वर्ल्ड वाइड प्रीमियर कब होने वाला है, ये तो भाई अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अनाउंस होगा तो आपको पता चल जाएगा। जो अगला अपडेट है ये है माई हैप्पी मैरिज से लेकर, तो एपिसोड 13 का जो ओभा एपिसोड है वो स्ट्रीम हो रहा है नेटफ्लिक्स पर और इसका जो सीजन 2 है वो शेड्यूल हुआ है जनवरी 2025 के लिए। जो अगला अपडेट है ये बहुत 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 ही ज्यादा यार बड़ा अपडेट है डिटेक्टिव कोनन हिंदी डब फैंस के लिए। तो ईटीवी बाल भारत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया है कि डिटेक्टिव कोनन फैंस इट्स टाइम टू शो योर लव, अब वक्त आ गया है अपना प्यार दिखाने का। तो वो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि YouTube पर डिटेक्टिव कोनन के सारे एपिसोड्स डालने का, वो भी फुल एपिसोड्स, 23 मिनट का, 40 मिनट का, मतलब जितना भी एपिसोड्स का होता है वो अपने YouTube चैनल पे डालने वाले हैं और वो लोग आपसे पूछ रहे हैं यस या नो करके, और शायद से ये हिंदी डब में वो लोग डालेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या आपको वो चाहिए? तो अगर आपको वो चाहिए तो सिंपली आपको जाना है उनके इंस्टाग्राम पर और पोल करना है यस, और नहीं चाहिए तो पोल करना है नो। तो जैसा भी रिजल्ट आएगा वैसा वो लोग करेंगे, मतलब जैसे म्यूज इंडिया यूट्यूब पर हिंदी डब एनिमे डालता है तो अब शायद ईटीवी बाल भारत भी उसी कदम पे चलने वाला है। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना डिटेक्टिव कोनन फैंस। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर, तो इसका एपिसोड 7 अब भाई आउट हो चुका है तो आप इसको देख सकते हो। साथ ही में ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब का एपिसोड 3 भी बाहर आ चुका है और अगर आपको इसका हिंदी डब रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं कल तक इसका हिंदी डब रिव्यू लाने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट अपडेट है इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो एनिमे है अब भाई क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है तो आप इसको देख सकते हो। ये जापानीज डब के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ मौजूद है। नेक्स्ट अपडेट है मांगा प्लस से लेकर, तो मांगा प्लस पर जो 5 एनिमे है वो करेंटली अभी भाई टॉप हॉटेस्ट मांगा है, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है नारुतो एक्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की कॉमिक से लेकर, जो ये मांगा था तो फाइनली अब ये रिलीज हो चुका है और इसमें जो भाई काकासी है वो जानता है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के जो मास्टर रहता है उनको, तो क्या बड़ी बात है यार। अगला अपडेट है लुक बैक के एनिमे से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा तो जो ये एनिमे मूवी है ये कंसीडर किया गया है ऑस्कर्स के लिए जो कि होने वाला है 2025 में एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है और मुझे लगता है शायद ये जीत भी जाएगा। अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर, तो अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक की जो मूवी है ये आने वाली है साउथ ईस्ट एशिया में जनवरी 2025 में। अगला अपडेट है विस्टोरिया के ब्लू रे डीवीडी से लेकर, तो इसका वॉल्यूम 2 का नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। नेक्स्ट अपडेट है विनलैंड सागा से लेकर, तो इसका भी नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। नेक्स्ट अपडेट है सोनिक 3 से लेकर, तो ये आने वाली है थिएटर्स में 20 दिसंबर को। जो अगला अपडेट है ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, तो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पर ये कंफर्म कर दिया है कि सोलो लेवलिंग का जो सीजन 2 होने वाला है री अवेकनिंग, तो ये हिंदी डब के साथ इंडियन थिएटर्स पे आएगा, ये हिंदी और इंग्लिश के साथ आएगा 6 दिसंबर को। तो क्या आप लोग ये देखने जाओगे? अगर जाओगे तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है टोक्यो रिवेंजर से लेकर, तो इसके बाकी के जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के नाम है, किसने किसको डब किया उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना। कल बताया था पार्ट 1 के बारे में और आज बता दिया है पार्ट 2 के बारे में, जिसके बारे में पता लगाया है गोको ऑफिशियल रील और दी एनिमे गीक ऑफिशियल ने। नेक्स्ट अपडेट है दी एपोथिकरी डायरी से लेकर, तो इसका नया की विजुअल बाहर आया है। इसके बाद रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सांता क्लॉज, तो इसका नया टीजर विजुअल बाहर आया है और ये एनिमे आने वाला है 2025 में। नेक्स्ट अपडेट है डांडा डान एनिमे से लेकर, तो इसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और ये देखकर जो सिंगल लोग हैं उनका दिल टूट जाएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी कोई चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है नारुतो से लेकर, तो नारुतो का जो यार 4 स्पेशल एपिसोड्स होने वाला है वो शेड्यूल हुआ है अर्ली 2025 के लिए, मतलब स्टार्टिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा 2025 का। नेक्स्ट अपडेट है द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस, तो इसके जो भाई मांगा आर्टिस्ट है उन्होंने एक नया मांगा लॉन्च किया है जिसका नाम है द ग्रेट विलनेस बॉय,
जो कि आने वाला है 11 दिसंबर 2025 को। अगला अपडेट है ग्रिडमैन यूनिवर्स न्यू हाई स्कूल गर्ल्स से लेकर, तो इसका कोलैब इलस्ट्रेशन बाहर आया है। नेक्स्ट अपडेट है कार्ड फाइट वैनगार्ड से लेकर, तो इसका भी नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है और ये भाई शेड्यूल हुआ है 11 जनवरी 2024 के लिए। नेक्स्ट अपडेट है स्टार ब्लेजर से लेकर, तो इसका भी नया की विजुअल बाहर आया है और ये एनिमे आने वाला है 11 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट अपडेट है एमएफ घोष्ट टीवी एनिमे सीजन 2 से लेकर, तो इसका नया की विजुअल बाहर आया है और ये एनिमे अभी करेंटली भाई एयर हो रहा है। अगला अपडेट है टॉप 10 एनिमे ऑफ द वीक से लेकर, तो ये 8 वीक का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो टॉप 10 में यार किसने जगह बनाई है। 1 नंबर में आ चुका है ब्लीच और दूसरे नंबर में डांडाडन और बाकी के नाम आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड से लेकर, तो इसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है।